अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नाज़रीन, आज जिस ख़बर को लेकर आपके दरमियान हाजिर हुए हैं उसकी हेडिंग इस तरह से है, तुर्की के राष्ट्रपति आली जनाब रज्जब तैयब उर्दुगान ने कहा, 7 अरब इंसानों की किस्मत का फ़ैसला हम 5 मुल्कों पर नहीं छोड़ सकते। नाज़रीन, पूरी जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखें। आखिर क्या वजह है और क्यों और किस वजह से रज्जब तैयब उर्दुगान ने ये बातें कही कि हम 7 अरब इंसानों का फ़ैसला 5 ममालिक पर नहीं छोड़ सकते। और वीडियो को खूब शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय से हमें नवाजें। नाज़रीन मोहतरम, तुर्क के राष्ट्रपति रज्जब तैयब उर्दुगान ने अक्वामे मुत्तहदा यानी संयुक्त राष्ट्र के सिक्योरिटी काउंसिल से ख़िताब करते हुए कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इस्लाहात यानी सुधार वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, क्योंकि 7 अरब इंसानों की किस्मत को 5 ममालिक पर नहीं छोड़ा जा सकता। अक्वामे मुत्तहदा के जनरल असेंबली से यानी संयुक्त राष्ट्र के जनरल असेंबली से अपने वीडियो लिंक खिताब में सदर रज्जब तैयब उर्दुगान ने कहा, बहैसियत इंसान हमें इस वक्त बेशुमार चैलेंज का सामना है, जिनमें सेहत यानी स्वास्थ्य, माशियत यानी अर्थव्यवस्था, समाजी अमन और मुस्तकबिल यानी आने वाले में हम कोरोना वायरस की आलमी वबा शामिल है। हमें ऐसी काउंसिल की ज़रूरत है जो जमहूरी, शफाफ यानी साफ सुथरा और काबिल एहतसाब हो, यकीन हो और उसकी जवाबदही भी हो। राष्ट्रपति रज्जब तैयब उर्दुगान ने कहा कि हम तमाम इंसान दुनिया भर में ऐसे 17 करोड़ लोगों को देख रहे हैं जिन्हें दुनिया में मदद और हिफाजत की अशद तरीन ज़रूरत है। दुनिया में भूख के शिकार अफराद की तादाद 82 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। 7 करोड़ लोग को अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर है, क्योंकि उन्हें तनाज़ात और जुल्म का यानी परेशानी और जुल्म का शिकार बनाया गया, जबकि बदकिस्मती से कोरोना वायरस ने इन हालात को मज़ीद बदतर यानी बेकार बना दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में नाइंसाफ़ी और अदम मुसावात यानी लोगों से हमदर्दी, लोगों के साथ अच्छी तरीके से पेश आना, ये सब ख़त्म हो चुका है। ये एक फराख दिलाना मुल्क की हैसियत से जो हमसे हो सका, हमने अपने दस्तियाब वसाइल से तुर्की की GDP से सबसे ज़्यादा इमदाद मुख्तलिफ ममालिक को दी। तुर्की ने अपने शहरियों का भी ख़ास ख्याल रखा। हमने 146 ममालिक को तिब्बी आलात यानी स्वास्थ्य व्यवस्था और मेडिकल के ज़रूरी चीज़ें और इमदादी सामान भी भेजा। इमदाद देने में तुर्की ने किसी के मजहब, ज़ुबान, नस्ल और बर्रआज़म को अहमियत नहीं दी। तुर्की राष्ट्रपति ने कहा कि लालची, अनापरस्त, ताकत के ज़रिए इस्तेहसाल करने वालों और नव आबादाती निज़ाम की ख्वाहिश रखने वाले ने जुल्म के नए नए तरीक़े इस्तेमाल किए, उनकी वजह से आलमी निज़ाम में इंसाफ की फराहमी सबसे बड़ी रुकावट रही। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इस्तेहकाम हासिल करने में नाकामी, ख़ास तौर पर शाम, फिलिस्तीन, यमन और अफ़गानिस्तान इसमें ख़ास तौर पर शामिल हैं। अक्वामे मुत्तहदा यानी संयुक्त राष्ट्र के निज़ाम को ख़ास तौर पर उसके लिए बनाया गया था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र तनाज़ात यानी इख्तलाफात को दिगर मसाइल को हल करने में नाकाम रहा। हम सब महसूस कर रहे हैं कि आज हम इन मसाइल पर काबू पा नहीं सकते। रज्जब तैयब उर्दुगान ने खिताब के आखिर में जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र को दोबारा बाख्तियार बनाने के लिए सबसे पहले सिक्योरिटी
काउंसिल में इस्लाहात यानी सुधार लाने की ज़रूरत है। तो नाज़रीन, ये बहुत बड़ी बात जो जनाब रज्जब तैयब उर्दुगान तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा, और साथ ही साथ उन्होंने ज़ोर दिया कि हम 7 करोड़ लोगों के, 7 अरब इंसानों की किस्मत का फ़ैसला हम 5 मुल्कों पर नहीं छोड़ सकते। नाज़रीन, गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्त अहबाब खेशो अकारीब रिश्तेदार तक इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक व्हाट्सएप पे भी इस वीडियो को शेयर